Welcome you all the JK Pride online classes. Myself Ajay Dogra, chemistry faculty in JK Pride. Students, this is the lecture second of class 11, chapter 1, that is properties of matter and their measurement. तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मैटर क्या है और मैटर की क्लासिफिकेशन मैंने डिस्कस की थी. तो आज मैं जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनकी मेजरमेंट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट. तो आप कोई भी सबस्टांस ले लो, कोई भी सबस्टांस आप कंसिडर कर लो, हर एक सबस्टांस की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, एवरी सबस्टांस हैज इट्स यूनिक प्रॉपर्टी. ठीक है, दैट प्रॉपर्टी मे बी फिजिकल और केमिकल. तो आपका नेचर में कोई भी सबस्टांस है जो एग्जिस्ट करता है उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है. वो यूनिक प्रॉपर्टी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है. तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात अगर हम लोग करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं आपके मैटर की जिनको आप लोग मेजर कर सकते हो या आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो विदाउट चेंज इन देयर आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सबस्टांस. मतलब सबस्टांस की आइडेंटिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सबस्टांस की कंपोजिशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कंपोजिशन को चेंज किए बिना या आइडेंटिटी को चेंज किए बिना हम लोग मेजर कर सकते हैं या फिर उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे हमारे पास कोई भी सबस्टांस है, आपको उसका कलर देखना है, तो आप उसकी कंपोजिशन के साथ कोई भी रिएक्शन करोगे? नहीं करोगे. आप उसकी कंपोजिशन को चेंज नहीं करोगे. अगर आपको किसी भी सबस्टांस का स्मेल ऑर्डर अगर आपको चेक करना है तो आपको उसकी आइडेंटिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा. अगर आपको किसी का मेल्टिंग पॉइंट मेजर करना है तो आपको उसकी कंपोजिशन या आइडेंटिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली मेजर कर सकते हो. और सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज ऑल्सो द फिजिकल प्रॉपर्टी. तो कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो ये सारे टर्म्स जो है ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है आपके मैटर की. अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें केमिकल चेंज होता है. तो दोज प्रॉपर्टीज इन विच द केमिकल चेंज अकर, दैट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. जो हमारे पास नेचर में डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उनकी जो रिएक्शंस होंगी उनको हम लोग उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं. ठीक है, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें केमिकल रिएक्शन होगा उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं. ठीक है, तो देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एसिडिटी है, बेसिडिटी है, रिएक्शन विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो दीज ऑल द रिएक्शंस, दीज ऑल द प्रॉपर्टीज इन विच द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो सिंपल सा मतलब है, अगर कोई भी रिएक्शन है उसमें केमिकल रिएक्शन अगर आपको देखने को मिल रही है तो वो उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, अब देखिए हमारे पास ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है. क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? मात्रात्मक, अमाउंट होगा उसका कुछ, है ना. तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है उन प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज. और आगे मैं फिजिकल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स, उनकी मेजरमेंट, कन्वर्जन, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा. अब देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे. मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताया, अब मैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या है वो आपको बताने जा रहा हूं. तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो क्वांटिटेटिव नेचर की होती हैं. तो जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्वांटिटेटिव नेचर की होंगी उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. जैसे देखिए आपके पास मास है, ठीक है, आपके पास लेंथ है, आपके पास वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और डेंसिटी है. तो ये सारे टर्म्स जो हैं ये क्वांटिटेटिव नेचर की होती हैं. तो इन सारी टर्म्स को, इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गया, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटेटिव नेचर की होगी वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होगी. ठीक है, तो ये जितनी भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको बताई है, मास ले लो,
आप लेंथ ले लो, आप वॉल्यूम ले लो, आप टेम्परेचर ले लो, प्रेशर ले लो या डेंसिटी ले लो, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्वांटिटेटिव नेचर की हैं। मतलब ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब दूसरी बात आती है कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करने के मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक जो है फिजिकल वैल्यू और दूसरा है यूनिट। तो आप किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करोगे तो आपको दो पार्ट्स में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मास अगर किसी भी सब्सटेंस का मेजर करना है तो उसका मास जो है वो आपको दो पार्ट्स में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कैरिड आउट इन टू डिफरेंट पार्ट्स, ओके। द फर्स्ट वन इज नोन एज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नेक्स्ट वन इज नोन एज यूनिट। तो बेटा देखिए, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आपके पास क्या है, एक बॉक्स है और उस बॉक्स का जो वेट है वो 5700 ग्राम है। तो ये जो टर्म है ना, ये 5700 ग्राम या फिर आप ले लो 5.7 केजी। तो इस टर्म में आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक आपको दिख रहा है ये यूनिट और दूसरा ये न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर मैं इस यूनिट को यहां से निकाल दूंगा तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपने खाली न्यूमेरिकल वैल्यू लिया, यूनिट नहीं लिया, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू का उस क्वांटिटी के लिए कोई भी यूज नहीं रहेगा। वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर यूनिट इसके साथ लगा है तो फिर ये आपकी सब्सटेंस की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा, ठीक है। तो यूनिट जो है ये बहुत जरूरी है किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो क्या बोलता है, इट इज एसेंशियल टू इंक्लूड यूनिट विद एवरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो आपको उसका यूनिट जब तक आप उसके साथ नहीं लगाओगे तो आपको खाली न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई भी यूजफुल या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट मस्ट बी इंक्लूडेड टू इवेल्युएट एनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपको यूनिट का जो है लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना यूनिट के आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। अब देखिए उसके बाद यूनिट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस विच इज चूजन टू एक्सप्रेस हम लोग क्या बोलेंगे यूनिट। तो अभी मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसकी मेजरमेंट हम लोग दो पार्ट्स में करते हैं, ठीक है। एक पार्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू वाला और दूसरा पार्ट होता है यूनिट का, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बिना यूनिट के यूजलेस होता है। अगर मैंने खाली न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया, अगर यूनिट वहां पे नहीं लगाया है तो वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यूनिट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है, देखिए यूनिट क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूज करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यूनिट इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस विच इज चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड रेफरेंस जो है चूज करते हैं खुद से, और उस रेफरेंस को लेके हम लोग क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को अगर मास कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो आप लोग किसका यूज करते हो, किलोग्राम का यूज करते हो। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आप मीटर का यूज करते हो, ठीक है। तो इसको हम उस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को हम लोग यूनिट बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए, जो आजकल हम लोग जो मेजरमेंट के लिए यूनिट्स, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता था कि अगर सपोज करो एक ही क्वांटिटी को मेजर करना है, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं मीटर की बात करें, मतलब लेंथ को मेजर करना है, तो कुछ जगहों पे क्या होता था, माइल्स में मेजरमेंट होती थी, यार्ड्स में मेजरमेंट होती थी, फीट्स में मेजरमेंट होती थी। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं था, बहुत दिक्कत आती थी लोगों को कि यहां पे इंडिया में लोग मेजरमेंट के लिए कुछ दूसरा यूनिट यूज कर रहे हैं,
फ्रांस में लोग दूसरा यूनिट यूज कर रहे हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए क्या हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ बेट और मेजरमेंट का फ्रांस में 1960 में, और तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल यूनिट जो है हर एक मेजरमेंट के लिए बनाएंगे, और पूरे वर्ल्ड में फिर उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उसी यूनिट का यूज करेंगे। तो ये होता है एसआई यूनिट, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये जो एसआई वर्ड था ये एक फ्रेंच नेम से लिया गया था जिसका नाम है सिस्टीम इंटरनेशनली, ठीक है। उसके बाद देखिए एसआई सिस्टम जो है, सबसे पहले 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था बेट और मेजरमेंट का फ्रांस में, तब इस यूनिट को लोगों ने एक्सेप्ट किया था, और आज पूरे वर्ल्ड में इस सिस्टम को लोग जो है वो यूज करते हैं। अब हुआ क्या, इस ये जो एसआई सिस्टम था इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, बाद में मैट्रिक सिस्टम को उन्होंने और इंप्रूव किया। तो मैट्रिक सिस्टम में उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग मीटर की बात करते हैं, तो मीटर को अगर आपको लेंथ को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ को मेजर करने के जितने भी हमारे पास मेजरमेंट्स के यूनिट्स हैं, जैसे माइल्स है, यार्ड्स है, ठीक है, मीटर है, तो हम उन सारे यूनिट्स को क्या करेंगे, मल्टीपल पावर ऑफ 10 से एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। जैसे आप सेंटीमीटर की बात करते हो, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर से रिलेट करेंगे 10 की मल्टीपल पावर में, ठीक है। जैसे हम डिग्री एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की रेस पावर माइनस 10 मीटर। पिकोमीटर की बात करते हैं तो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 की रेस पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है ना। नैनोमीटर की बात करते हैं तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की रेस पावर माइनस 9 मीटर। तो इस तरीके से मतलब एक ही क्वांटिटी को मेजर करें आप लोग, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से आप एक ही क्वांटिटी को मेजर करें, तो उन सारे डिफरेंट यूनिट को आपने 10 की मल्टीपल पावर से रिलेट कर दिया, सिंपल सा मेथड, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स सिस्टम। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, 7 मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, मतलब अगर आपको उनको मेजर करना है तो आप उनके यूनिट किसी दूसरी प्रॉपर्टी से डिराइव नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होगी, तो उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। और उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के जो ऐसे यूनिट होंगे ना, उनको आप लोग क्या बोलते हो, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हो। तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनके यूनिट्स कौन से हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि उन बाकी जो आपकी क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स जो है आप उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट से डिराइव कर सकते हो। तो दो तरह की क्वांटिटीज और यूनिट्स मैं डिस्कस करूंगा, एक फंडामेंटल और दूसरा डिराइव। तो फंडामेंटल वाले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस वाले होंगे, और डिराइव वाले जो होंगे वो सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट से डिराइव होंगे। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात अगर हम लोग करें तो ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी मेजरमेंट जो है हम किसी दूसरी प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते। मेजरमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन एनी अदर प्रॉपर्टी, दैट इज दीज प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी अदर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी मेजरमेंट हम किसी दूसरी प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते हैं, उनकी मेजरमेंट हम उनके अलग मेजरमेंट जो है वो अपनी है, वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और बेटा जो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं जिनसे हम लोग उन फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो 7 यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो 7 ही आपके पास क्या होंगे, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। तो वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं, आपका लेंथ है, आपका मास है, तो मैं यहाँ पे वो 7 एक टेबल बनाऊंगा उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज का, फिर उनके सिंबल्स, उनके यूनिट्स और फिर उनके सिंबल्स। तो 7 बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आर क्वांटिटीज, सिंबल फॉर द क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट एंड सिंबल ऑफ यूनिट। तो 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उनके जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो मैंने इस टेबल में आपके सामने लिखे हुए हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं आपकी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपकी। और जो सिंबल्स हैं इन क्वांटिटीज के लिए वो क्या है, लेंथ के लिए हम लोग एल लिखते हैं, और मास के लिए स्मॉल एम, टाइम के लिए स्मॉल टी, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आई स्मॉल डी, और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इनके नेम लिखे हुए हैं पूरा, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडला, मोल और एम्पियर। और इन यूनिट्स के जो सिंबल्स हैं वो देखिए, मीटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए स्मॉल एस, केल्विन के लिए के, कैंडला के लिए सीडी, और मोल के लिए हम लोग सिर्फ लिखते हैं MOL, ठीक है, और एम्पियर के लिए ए। सो दीज आर द 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दीज आर देयर फंडामेंटल यूनिट्स।